राजस्थान जिले के शाहबाद उपखंड में गत दिनों पूर्व शाहबाद के जंगलों में मिलखेड़ा डांग क्षेत्र में अवैध खेर तस्करी का मामला सामने आया था, जिसके चलते भरतपुर भाजपा संभाग प्रभारी एवं क्षेत्रीय पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने शाहबाद के जंगलों में ट्रैक पथ के माध्यम से जंगल का दौरा किया। हेमराज मीणा ने बिलखेड़ा डांग क्षेत्र, जहां पर कुछ दिन पूर्व में तस्करों द्वारा जंगल में खेर की लकड़ियों की तस्करी की थी, एक-एक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस जंगल को बचाना है। मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ स्थानीय स्तर पर भी सैकड़ों बीघा जमीन पर स्थानीय लोगों का बड़े बड़े भू माफियाओं का कब्जा है। उस कब्जे को भी हटा करके उसमें प्लांटेशन बनाए जाना चाहिए। कैंपा फंड में हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं वन विभाग के अधिकारियों को कहूंगा, कलेक्टर को भी सावचेत करूंगा कि कलेक्टर साहब स्वयं इस बारे में विचार करें, सोचें कि जिन्होंने जो तस्करी में शामिल हैं, मैं तो उनको भी तस्कर कहूंगा, जिन्होंने सैकड़ों बीघा के फार्म बना रखे हैं और फार्म बना करके जंगल की जमीन में खेती करते हैं, खेती कर नहीं करके मुनाफे भी देते हैं, वो भी बड़े तस्कर हैं। उन्होंने भी सैकड़ों बीघा जमीन के पेड़ काट करके उनको जंगल पेड़ काट करके खेत बनाए होंगे, तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जो ही हमारी सरकार आई थी, मैंने बहुत सारे अतिक्रमण हटाए। आज प्लांटेशन बनाने का वहाँ प्रस्ताव है, कई सारे नेता इसमें पकड़े गए थे, उनके खिलाफ हमने कठोर से कठोर कार्रवाई की और आगे भी इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।